अरमान की बहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जाहिर तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे क्या हुआ था, किस तरीके से? मेरा भाई तो बहुत सीधा था, उसको तो साजिश करी है मारने की। इतना सीधा भाई था मेरा, और उसको मार दिया। हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहा था मुझे छोड़ दो, मेरा कसूर क्या है? अम्मी मेरा भाई एक ही था तीन बहनों का भाई। उसको क्या पहले तो कोई दुश्मनी क्या नहीं, दूसरों की लड़ाई थी दूसरों की लड़ाई थी उसको तो मैसी मार दिया बेकसूर। फोन करके बुला लिया, लड़ाई झगड़ों में चला गया। तो क्या ऐसा था कि वो गणेश विसर्जन में गए थे उसकी वजह से? ऐसी कोई बात सामने आई थी क्या? जो भी चीजें आप कुछ नहीं था, किसी और की लड़ाई थी, उन्होंने फोन करके बुला लिया बस चला गया। सीधा भाई था मेरा बहुत। तो निश्चित तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से परिवार जो है वो पूरी तरीके से गमगीन है। ये बहनें हैं अरमान की, जो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से गमगीन है। जाहिर तौर पर जिस तरीके का माहौल है, ज़्यादा कुछ बताने की अभी स्थिति में नहीं है, लेकिन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि बाइक टच करने को लेकर पूरा विवाद जो है वो शुरू किया गया। तो फिलहाल जो है परिवार पूरी तरीके से गमगीन है, लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, खासतौर पर गणेश विसर्जन को लेकर ये बात सामने आई है कि अरमान जो है वो गणेश विसर्जन पर गए थे, जिसकी वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस चीज़ की जांच जो है वो फिलहाल की जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर पूरा परिवार जो है वो इंसाफ चाहता है, और पूरा परिवार आप देख सकते हैं किस तरीके से गमगीन है। दुखों का पहाड़ जो है वो परिवार पर इस वक्त टूटा हुआ है, और इसी वजह से पूरी गली वालों ने कुंडी लगा ली, मेरे भाई को किसी ने नहीं बचाया। एक घर में गुस्सा भी था, उन्होंने कुंडी लगाने दी मेरे भाई को, बाहर निकाल के मारा मेरे भाई को। अरे पहले से क्या किसी बात को लेकर कोई कहा? नहीं, किसी और की लड़ाई थी, उनकी बात थी, उसकी तो कोई बात ही नहीं थी। तो निश्चित तौर पर अभी परिवार ज़्यादा कुछ बचाने की स्थिति में फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से घटना हुई है, परिवार पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं दुखों का पहाड़ जो है वो टूटा हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं, अरमान की ये तस्वीर है जिसको फिलहाल परिवार जो है दिखा रहा है, और परिवार जो है वो पूरी तरीके से इंसाफ की मांग कर रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार पूरी तरीके से दुखी है, गमों का पहाड़ जो है वो इस वक्त परिवार पे टूटा हुआ है। हम कुछ परिवार के और सदस्य हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, परिवार के जो बाकी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसा हुआ, क्या पहले से किसी बात को लेकर? कोई कुछ नहीं था हमारा, उनसे कुछ ही नहीं था। वो अपने पापा की गाड़ी, अपने बाप अपनी गाड़ी साफ कर रहा था, लड़ाई किसी और की, उसको लेके चले गए, वो तो भाग गए, उसको पकड़ लिया, उसको खून ही खून कर दिए उसके, मेरे बच्चे को मार दिया। तीन भाई का एक भाई, तीन बहनों का एक भाई मेरा। ये बात भी सामने आ रही है कि क्या वो किसी गणेश विसर्जन में गए थे, उसको लेकर उनके मेरा भाई गया, उसको वहाँ पे रोक लिया,
बचने मारा गया है, साजिश की गई है। उस गणेश जी का फायदा उठाया है कि उसमें हाँ उसकी आवाज में मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, और उसको लड़के को मेरे को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, उसका पता भी नहीं चला, 5 मिनट भी नहीं लगे उसको ऐसा खत्म कर दिया। मेरा बच्चा बहुत सीधा है। हनुमान गणेश विसर्जन में गए थे? मेरा हनुमान नहीं, वो गाड़ी साफ कर मेरा हनुमान दोस्त यारों ने रंग लगा दिया होगा, गया नहीं है वो कहीं, वो तो गाड़ी साफ कर रहा था, वो कहीं नहीं गया, उसके रंग लगा था पर उसके दोस्त यार हिंदू है उन्होंने लगाया होगा उसके रंग। ये बात सामने आ रही थी कि वो गणेश विसर्जन में गए थे जिसकी वजह से वो लोग नाराज थे, और इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। ये बच्चा ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, हमारे कोई नहीं गणेश को कोई एक्शन कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बोला तुरंत उतरा, बस बहुत बच्चा सीधा था, ज्यादा वो नहीं था, हो जा फोन करके बुलाया गया उसे, फोन करा बुलाया उस बच्चे को मारा है, यहाँ से पानी पी कर बस 5 मिनट। तो फिलहाल ये अरमान मलिक का जो है वो परिवार है जो पूरी तरीके से दुखी है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटना हुई उसको लेकर परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, और फिलहाल परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा है।